जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज हम 21 अप्रैल का न्यूज़पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे की तरफ से मनाया जाता है। तो आज 21 अप्रैल को 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, उन्होंने एड्रेस कर रहा था प्रोबेशनर्स को ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एट द मेटकॉफ हाउस इन दिल्ली। तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेटिंग स्पीच दी थी रिगार्डिंग द सिविल सर्वेंट्स, एंड ही कॉल्ड द सिविल सर्वेंट्स एज द स्टील फ्रेम ऑफ द नेशन। तो इसीलिए आफ्टर 2006 जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे ना, मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा कि हम 21 अप्रैल को एज ए नेशनल सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद ना हमारे पास एक न्यूज़ है कि जो IMF की रिपोर्ट आती है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, उसमें बताया गया कि IMF ऑप्टिमिस्टिक रिपोर्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी फॉर चाइना। तो चाइना की इकोनॉमी ग्रो करेगी, IMF की रिपोर्ट ने बताया है। इसके बाद ना हमारे पास एक है, बुद्धिस्ट फेथ बिगेस्ट स्ट्रेंथ एट अ टाइम ऑफ वॉर इकोनॉमिक क्राइसिस क्लाइमेट चेंज, एंड PM ने बताया है ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट ऑर्गेनाइज करिए, और ये फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट है दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 20 एंड 21 अप्रैल। तो जैसे कि गांधी जी के आइडियाज़ थे, जैसे कि स्वदेशी, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, स्वच्छता, ये सारे गांधी जी के आइडियाज़ थे, उन्हीं आइडियाज़ को यूज़ करके हम आज की मॉडर्न डे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इसी बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर ने ना ये ऑर्गेनाइज करवाई है समिट, ताकि हम जो मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल हमारी वॉर चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करें बाय यूजिंग द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स। तो एक ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज़ कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है ना, वहाँ उसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, एंड इट वॉज फॉर्म्ड इन 2013। इसका थीम है रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस।